तो हमने लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशन मोशन में ये फोर्स का कॉन्सेप्ट किया था कि एक ब्लॉक है एम जिसके ऊपर फोर्स गिवन है और एक्सलेशन निकालनी है। अब फॉर्मूला क्या लगाते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, डन, ठीक हो गया। अब रोटेशनल मोशन में क्या होने वाला है, रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी क्या करेगी, रोल करेगी, देखो आगे रोल करती हुई जाएगी, घूमेगी, खड़ी खड़ी भी घूम सकती है पंखे की तरह, या टायर रोल करता हुआ आगे भी जा सकता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसमें चीज़ें घूमेंगी। तो घूमने के लिए फोर्स लगा के हम क्या जनरेट करते हैं, टॉर्क, क्योंकि घूमने रोटेशनल मोशन के अंदर कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसका टॉर्क तो पक्का होगा ही होगा। तो जो काम फोर्स करता था लीनियर मोशन में वो काम इसमें कौन करेगा, टॉर्क। तो हमने क्या निकालना सीखा, टॉर्क, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अभी इतना सा काम हुआ, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो काम इसमें मास करता था हम क्या बोलते थे, मास क्या था, मेजर ऑफ एनर्शिया। अब शेप कोई भी हो बॉडी के, मास तो मास ही रहेगा, हम काम मास पे करते थे, शेप पे करते ही नहीं थे, पर इसमें मास के साथ क्या मैटर करेगी, शेप, और इसके कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया था हमने, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। मैंने क्या बताया था ना कि अगर लीनियर मोशन में एनर्शिया तो रोटेशनल मोशन में इसका नाम क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ एनर्शिया, जिसका सिंबल होता है आई। तो जो काम उसमें एम करेगा वो काम इसमें कौन करेगा, आई करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ मास चाहिए, इसमें मास के साथ शेप भी चाहिए। तो अगला टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ एनर्शिया। अब जो काम उसमें ए करता था वो काम इसमें कौन करेगा, एल्फा, अल्फा ओमेगा, अगर ये कैलकुलेट करने हैं तो आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए रोटेशनल काइनेमैटिक्स। हमने किया था लीनियर काइनेमैटिक्स जिसमें ए वी यू टी ये इक्वेशन थी, इसमें ओमेगा नॉट, ओमेगा, एल्फा, रोटेशनल काइनेमैटिक्स। तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, वो जो टॉर्क था मैंने कहा था आई इंटू एल्फा, कुछ भी नहीं था। अब देखो ना तीन अलग अलग टॉपिक्स खुल गए, पहले टॉर्क निकालना सिखाना पड़ेगा, आई निकालना सिखाना पड़ेगा, एल्फा निकालना सिखाना पड़ेगा, तब जाके टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा की इक्वेशन लगेगी, समझ में आ रहा है। फोर्स इसलिए आसान था, फर्स्ट डे से आप लगाते थे एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इसलिए शुरू नहीं हो पा रहा, अभी भी चार लेक्चर लगते हैं शुरू करने में, रोटेशनल बॉडी तो घूम ही नहीं रही, अभी घुमाने में कम से कम चार लेक्चर लगेंगे, उसमें दो लेक्चर कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले जाएगा, शेप्स के ऊपर स्टडी करेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ये अलग अलग पिक्चर्स की फॉर्म में क्यों चल रहा है, तो एंड में सारी चीजें जुड़ जाएंगी, क्लियर है। तो अभी हमारा क्या काम हुआ, अभी हमने सिर्फ टॉर्क निकालना सीखा है बस। अब हम क्या दो चीजें निकालना सीखेंगे आज, एक तो काइनेमेटिक्स से एल्फा जिसको रोटेशनल काइनेमेटिक्स बोलते हैं, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो काम है। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स में एल्फा कैसे निकलेगा, आपको ना प्रॉब्लम दी जाएंगी ऐसी जो सर्कुलर मोशन के साथ मैच करती हैं, कैसे, इफ अ पॉइंट मास रोटेट्स विद अ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा नॉट गिवन है, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 4 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा नॉट से ओमेगा आ गया, तो कितनी देर में, 2 सेकेंड में आपको एल्फा निकालना है। तो हमने सर्कुलर मोशन में किया था, हम क्या लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, तो ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, एल्फा, ये है रोटेशन काइनेमेटिक्स। इस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो आइडिया दे रहा हूं कि एल्फा निकालना पड़े तो मैं इन इक्वेशन को यूज करके एल्फा निकाल लूंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर वगैरह थीटा निकाल दो, तो थीटा के लिए ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट क्वेश्चन में गिवन है, टाइम 2 सेकेंड गिवन है, एल्फा 1 है, टाइम 2 है, आंसर। आइडिया समझ में आ रहा है कि थीटा एल्फा रोटेशनल काइनेमेटिक्स में कैसे निकलेंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद 10 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा नॉट गिवन है, ब्रॉड टू रेस्ट, ओमेगा इज इक्वल टू 0 इन टाइम 5 सेकेंड, टाइम गिवन है, फाइंड एंगुलर रिटार्डेशन बाय दी बॉडी, तो मुझे क्या गिवन है, ओमेगा नॉट, मुझे क्या गिवन है, ओमेगा, टाइम मुझे 5 गिवन है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, फाइनल ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, एल्फा, आंसर, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। इसी के अंदर कहते हैं थीटा निकाल दो, तो थीटा के लिए फिर इक्वेशन क्या लगानी पड़ेगी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, क्वेश्चन में ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, एल्फा निकाल लिया, टाइम पता है, आंसर। ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सर्कुलर में भी किया था कि एक बॉडी थीटा 1 डिस्टेंस कवर करती है 2 सेकंड में,
और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है एंड थीटा टू कवर करती है इन नेक्स्ट 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में। तो रेशियो निकालो थीटा वन थीटा टू की। तो पहला केस क्या है, ओमेगा नॉट तो जीरो है ही है। केस नंबर वन में थीटा वन इज हाफ इंटू अल्फा इंटू टू स्क्वायर। केस नंबर टू में टोटल एंगल शुरू से क्या लेंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू हाफ इंटू अल्फा इंटू फोर स्क्वायर, क्योंकि शुरू से टाइम क्या हो गया, टू प्लस टू फोर। तो इन्हें अगर हम डिवाइड करेंगे तो थीटा और टू और थीटा वन की रेशियो आएगी। सेम क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के अंदर भी था। तो ये शीट आपको ये नहीं सिखा रही कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स में क्या करना है, एक आइडिया दे रही है कि मैं आने वाले टाइम में कुछ कुछ ऐसी क्वेश्चन यूज करता जाऊंगा ताकि मैं अल्फा थीटा को निकाल सकूं। ठीक है यहां तक?